हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि Vivo T1 5G कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, और ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, कुछ वीडियोस जो है इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर लाइव है, तो आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक गेमिंग टेस्ट भी कर देते, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो सोचा कि रेडमी का अगर वीडियो बना दिया है तो इसका भी एक वीडियो बनता है। तो यस, आज की वीडियो में हम BGMI टेस्ट करने वाले हैं खास तौर पे। तो BGMI मैं आपको इसमें खेल के दिखाऊंगा, क्या क्या सेटिंग्स है जो आप इसमें चूज कर सकते हो, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम नॉर्मल गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, इन डिटेल ज्यादा नहीं जाएंगे, नॉर्मल गेमिंग करके देखेंगे और हम चेक करेंगे सेटिंग्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने टाइमर भी लगाया है, अभी स्टार्ट नहीं किया है, जब गेम खेलना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे मैं टाइमर यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो पता चलेगा कि जब आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो और कितने टाइम तक खेलते हो, कितना बैटरी इसका ड्रेन होता है, और मोबाइल यू नो डिवाइस जो है वो वार्म होता है, हीटअप होता है या नहीं, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले तो इसका कवर हटा देते हैं, क्योंकि कवर के साथ ये डेफिनेटली हीट हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे ही हम चेक करेंगे, हालांकि मेरे पास यहाँ पे अभी टेम्परेचर गन तो है नहीं, तो बट फिर भी, तो डिवाइस का कवर हटा दिया है हमने। तो अभी आप देख सकते हो बैटरी जो है इसका 87% है, यहाँ पे 87% बैटरी है, और टाइमर स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे भी मैं आपको बैटरी दिखा दूंगा। तो जल्दी से यहाँ पे पहले BGMI स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे गेम हो रहा है स्टार्ट, और कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ थोड़े बहुत गेम स्टार्ट होने से पहले, कि जैसे मैंने बताया स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि 6nm बेस्ड प्रोसेसर है और 5G प्रोसेसर है, और आपको इस डिवाइस में IPS LCD स्क्रीन देखने मिलती है जो कि यस एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बट आपको इसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। तो यस, अभी वो हम चेक करेंगे कितना स्मूथनेस हमें मिलता है गेम में। तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी चेक करेंगे। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाके कि यहाँ पे ग्राफिक्स जो है आप कितने लेवल तक हाई सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो HD हाई पे ऑलरेडी है, तो HD के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे नॉट सपोर्टेड और कमिंग सून ऑन योर डिवाइस। तो HD एंड हाई इस पे आप खेल सकते हो मैक्सिमम सेटिंग। अगर स्मूथ की मैं बात करूं तो स्मूथ आप अल्ट्रा कर सकते हो, स्मूथ अल्ट्रा तक जा सकते हो, बैलेंस्ड में आप बैलेंस अल्ट्रा तक जा सकते हो, और HD में आप हाई फ्रेम रेट तक खेल सकते हो। तो अभी जो है हम बैलेंस्ड और अल्ट्रा करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से एक छोटा सा मैच खेल के देख लेते हैं। तो यस, वेयर हाउस डेथ मैच सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हो 87% बैटरी है, और यहाँ पे कर देते हैं गेम को स्टार्ट। टाइमर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट। तो टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। थोड़ी देर गेमिंग करेंगे, BGMI खेलेंगे, और 3-4 मैच खेलने के बाद देखते हैं कि कितना बैटरी ड्रेन हुआ है और फोन कितना हीट हुआ है। तो चलो मैं मैच खेल लेता हूँ पहले। तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर आउटपुट नहीं मिलते, मोनो स्पीकर है। तो गेम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और बैलेंस पे हमने सेटिंग रखा, तो आप देख सकते हो स्मूथनेस देख सकते हो, रिस्पॉन्सिव तो है। यहाँ पे अगर मैं यू नो स्क्रॉल कर रहा हूँ साइडवेज तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई लैग देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ग्राफिक्स एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा डिटेल्स नहीं है ग्राफिक्स में, आपको बस ये जो सामने वाली लकड़ी है या फिर जो वॉल है वुडन वॉल वो आपको नॉर्मली दिखेगी, इन डिटेल वहां पे आपको कुछ भी ज्यादा नहीं पता चलेगा, बट ये स्मूथनेस तो है। और जल्दी से गेम एक बार अभी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, दोनों मर गए। तो मैं इतना गेम्स नहीं खेलता हूँ, बट फिर भी आपको पता चल ही जाएगा मेरा गेम प्ले देख के कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। नॉट सो गुड, अभी तक रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, बट दोस्तों आप देख सकते हो लैग कहीं पे भी यहाँ पे नहीं है, गेम जो है काफी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। और ग्राफिक्स में कहूंगा ग्राफिक्स ठीक है, क्योंकि बैलेंस पे हमने रखा है। तो अभी तक तो गेम प्ले काफी स्मूथ है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो
आई एम नॉट सो गुड एट गेमिंग आई नो। ओके, मुझे नहीं लगता ये गेम हम जीतने वाले हैं क्योंकि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। जल्दबाजी, ओह शिट, काफी अच्छे जा रहे थे, फिर भी मेरे 9 किल्स हुए अभी तक, तो इतना भी बुरा नहीं खेल रहा हूं मैं। ओके, तो मेरे ही ज्यादा किल थे ग्रुप में, वाह, मैं सोच रहा था कि मैं ही नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे हमने डेथ मैच खेला, और डेथ मैच खेलने के बाद अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो डेफिनेटली स्मूथ है। आपने देखा होगा लैग कहीं पे भी नहीं था, रिस्पॉन्स वाइज स्क्रीन का काफी अच्छा था। अभी एक काम करेंगे, ये डेथ मैच हमने ट्राई किया अभी, यस, डिवाइस तो वार्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ यहाँ पे तो डिस्प्ले एकदम हल्का सा, एकदम मतलब बहुत ज्यादा हल्का सा वार्म हुआ है, बट बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। बैक साइड पे तो अभी तक मुझे कुछ लग नहीं रहा है। एयर एंगल ट्राई करते हैं, थोड़ी देर खेलेंगे, पूरा मैच नहीं खेलेंगे, बट आपको बस दिखाना है कि आप यू नो कैसे खेल सकते हो। एक बार मैं कैंसिल कर देता हूँ, सेटिंग्स चेंज करके देखते हैं। बैलेंस पे तो आपको अच्छे से यहाँ पे मिल रहा है, स्मूथनेस डेफिनेटली है, लैग तो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे ग्राफिक्स में जाएंगे, HD करेंगे, HD हाई पे खेल के देखते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं मैच को। तो अभी देख सकते हो टाइमिंग जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुका है हमें गेम खेलते हुए। एयर एंगल थोड़ा टाइम खेलेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि यू नो डिवाइस कितना हीट होता है और क्या होता है, बैटरी कितना ड्रेन होता है। तो 87% स्टार्टिंग में चार्जिंग था, राइट, हमने जब स्टार्ट किया था, यस, और 2% चार्जिंग उतरी है अभी 7 मिनट में, तो आई थिंक इट इज अ गुड साइन। तो यहाँ पे जल्दी से अभी हम है यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था जो स्टार्टिंग में, वो ये है कि एडवांस कंट्रोल में अगर हम जाते हैं और जायरोस्कोप यहाँ पे चेक करते हैं, ऑलवेज ऑन कर देते हैं, जायरोस्कोप का आपको रिस्पॉन्स बता देता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो जायरोस्कोप का रिस्पॉन्स यहाँ पे इतना ठीक है, इतना ज्यादा नहीं लगा मुझे एक्चुअली, क्योंकि Redmi Note 11 पे मैंने ट्राई किया था जायरोस्कोप का यहाँ पे, बट उस पर थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिव था, इसमें इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। बट यस, रिस्पॉन्स तो है, लेट नहीं है, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगा इसका। मैं कहूँगा कि आप अगर जायरोस्कोप प्लेयर है तो Vivo T1 5G में इतना रिलाई नहीं कर सकते हो। यस, Redmi Note 11 में डेफिनेटली जायरोस्कोप का जो सेटिंग था वो काफी अच्छा था। तो यहाँ पे सेटिंग्स में फिर से एक बार बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब हम प्लेन से कूदते हैं उस टाइम पे भी देखेंगे कि फ्रेम ड्रॉप कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लैग कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एकदम हल्का सा वहां पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। मैं थोड़ा सा दूर ही उतर जाता हूँ क्योंकि मैं इतना, ओहो वहां पे कोई तो था, तो वहां नहीं जाएंगे, यहाँ पे भागते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं गेमिंग में। ओहो हो, मुझे लगा बॉट प्लेयर है तो इसलिए मैं सीधा आगे चला गया। ओके, तो रिस्पॉन्स तो इसमें थोड़ा सा नोटिस हो रहा है कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो मैं निकल जाता हूँ बाहर। तो रिस्पॉन्स जो था हाई सेटिंग्स में अगर आप खेलते हो तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली डिफरेंस है। अगर आप बैलेंस पे खेलते हो तो आपको ज्यादा स्मूथ आउटपुट देखने मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं जितना थोड़ी देर था उतना मुझे लगा। एक बार डेथ मैच ट्राई करते हैं, यस, ये एयर एंगल मेरे बस की बात नहीं है। डेथ मैच में और अच्छे से पता चलेगा कि स्क्रीन कितना रिस्पॉन्सिव है या फिर गेम कितना रिस्पॉन्सिव है अगर हम हाई ग्राफिक्स पे खेलते हैं। तो देखो यार, स्क्रीन का आउटपुट तो काफी अच्छा है इसमें भी, IPS LCD डिस्प्ले, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी चीज है इसमें। और बस एक चीज पसंद नहीं आई, वो है कि इसमें मोनो स्पीकर है, तो आप अगर बिना हेडफोन के खेल रहे हो
तो आपको ये पता नहीं चलेगा, आपको स्क्रीन पे देखना होगा कहाँ से यू नो फुटस्टेप्स आ रहे हैं। आवाज भी 50% के ऊपर ही है। ओके, तो ग्राफिक्स एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में जब हमने बैलेंस पे चेक किया था तो इतना डिटेल्स था नहीं। अगर यहाँ पे जूम करते तो अभी आप देख सकते हो कि डेफिनेटली आपको फर्क पता चल जाएगा। जब बैलेंस में था तो ये जो वुडन वॉल था वो थोड़ा सा स्मूथ था, इतना डिटेलिंग थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। इसमें भी इतना डिटेलिंग नहीं दिख रहा है, बट यस डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में, बैलेंस के कंपैरिजन में आप यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। तो चलो मैच करते हैं स्टार्ट। रिस्पॉन्स तो अभी तक स्मूथ ही है, बट यस हाई में थोड़ा सा फर्क मुझे लग रहा है, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे गेम को कर देते हैं बंद। रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी तक, क्योंकि हाई सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है इसमें, और हाई में भी लैग तो कहीं पे भी डेफिनेटली नहीं है, बट जो स्क्रीन का रिस्पॉन्स था या फिर आउटपुट था गेम प्ले का, वहाँ पे अगर हाई सेटिंग्स पे हो सकता है आपको बैलेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने मिल जाए, और फ्रेम ड्रॉप्स भी इतना कुछ है नहीं, 30 FPS तक आप कर पाओगे गेमिंग इसके ऊपर। बात करते हैं हीट की, यहाँ पे पहले मैं इसे पॉज कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट अभी, फिर भी 20 मिनट के लिए और 20 सेकंड बचे हैं, 20 नहीं 2 मिनट बचे हैं। तो ओके, इतना मोबाइल ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मल सा वार्म है। और चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 83% पे अभी आया है, और जब हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 87% पे था। तो ओवरऑल गेमिंग के मामले में मैं कहूंगा डिसेंट सा है, आप आराम से गेमिंग कर पाओगे। स्नैपड्रैगन 695 काफी अच्छा प्रोसेसर है बजट रेंज में, तो आप यू नो रिलाई कर सकते हो। हाई यू नो आप एकदम बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो उसमें आपको ज्यादा हाई सेटिंग्स भी देखने नहीं मिलेगी ग्राफिक्स के मामले में। COD भी आप आराम से खेल सकते हो इस पे, COD मैंने ट्राई किया है, तो आज सिर्फ BGMI टेस्ट करने वाला था मैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कहूँ तो आपको बैलेंस सेटिंग में ग्राफिक्स जो है अच्छे देखने मिल जाएंगे, स्मूथ है, गेम प्ले स्मूथ हो जाएगा, ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं दिखते बैलेंस में, पर हाई में आपको ग्राफिक्स थोड़े बहुत अच्छे देखने मिल जाएंगे, और वहां पे भी आपको स्मूथनेस जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो ओवरऑल बजट फोन के हिसाब से स्नैपड्रैगन 695 अच्छा प्रोसेसर है, और BGMI तो आप डेफिनेटली विदाउट लैग खेल सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर मेरे कुछ भी पॉइंट्स छूटे हैं, क्योंकि मैं गेमिंग ज़्यादा करता नहीं और ये मेरा फर्स्ट गेम टेस्ट वीडियो है, सेकेंड गेम टेस्ट वीडियो है। Redmi Note 11 का गेम टेस्ट मैंने किया है, तो उसका भी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।